एकादशी है कल भी रिश्तरा बाबू, आज भी बिस्तर गीला कर दिया ना मैंने, तब भी लगता है आपको कि कल तक ठीक हो जाऊंगी मैं? कैसे करेंगे ये आप? ठीक हो जाओगी तुम बोंडेता, मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? हमारे पास अब भी 24 घंटे हैं। ऐसा कहूं कि 1440 मिनट हैं। 86,400 बोंडेता, 46,400 सेकेंड्स हैं हमारे पास। और किसी भी खेल में बाजी पलटने के लिए बस एक पल काफी होता है ना, बस एक पल। तो तुम्हें क्या लगता है, हमें हिम्मत हार जानी चाहिए, लड़ना छोड़ देना चाहिए क्या हमें बोंडेता? हम आखिरी पल तक कोशिश करेंगे, है ना? और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान निकल ही आएगा इस समस्या का। बस तब तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा बोंडेता, क्योंकि अगर तुम हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। हारने देना चाहती हूं क्या मुझे बोंडेता? तुमने जो जो बातें जैसे जैसे कही हैं उन्हें वैसे ही याद रखना है। हर दो घंटे में एक गिलास पानी पीना है। शाम 6 बजे के बाद तुम पानी को छुओगी भी नहीं, ठीक है? और मिठाई भी नहीं खानी है। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। समय पे सो जाना है और योग करना है। जैसे मौका मिला यहाँ पे खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा थोड़ा मुस्कुरा रे, मुझसे ये रिश्ता जो बिल्कुल सही बोंडेता। बाबू की आंखें झुक गईं, मुझे दुख नहीं होगा दुग्गा माँ, मेरे कारण हारना पड़े पति बाबू को अच्छा लगेगा क्या? मुझे रोऊंगी नहीं क्या मैं ये देखकर? रोऊंगी ना, आपको बोंडेता को रोता देखकर अच्छा लगेगा नहीं ना? तो दुग्गा माँ मुझे हिम्मत देना ताकि मैं वो सब कर सकूं जो इस चुनौती में जीत दिला दे पति बाबू को। जीतना नहीं चाहिए अनिरुद्ध, वरना समझ लेना कि हार बैठोगी उसे हमेशा के लिए। चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास, हाथ जोड़ो, विनती करो, छल करो, कपट करो, लड़ो, झगड़ो, जो करना है करो, लेकिन इस चुनौती में हार ही मिलनी चाहिए अनिरुद्ध को। सुना तुमने? और हां, अगर अनिरुद्ध तुम्हारी नहीं सुने तो वो लड़की तो सुनती है ना तुम्हारी, उसे अपने बस में करो, उसे खिलाओ कि वो मजबूर हो जाए पानी मांगने के लिए। गिराओ उस लड़की को अनिरुद्ध की नजरों से,
उसी के बलबूते पर जीत का सपना देख रहा है ना अनिरुद्ध। ऐसा चल चलो कि वो लड़की ये कारण बने उसकी हार का। समझ रही हो ना सुदामनी मैं क्या कह रहा हूं? बंधिता के कारण ही हारना चाहिए अनिरुद्ध, बंधिता के हाथों ही टूटनी चाहिए अनिरुद्ध की ये जिद। ऐसी चोट पहुंचनी चाहिए उसे बंधिता से कि एक पल के लिए भी उस लड़की को हमारी हवेली में लाने की हिम्मत ना कर सके। हिम्मत नहीं हारूंगी मैं दुकामा, मैं वो सब करूंगी, वो कहेंगे पति बाबू, हार नहीं दूंगी मैं अपने पति बाबू को, हम ही जीतेंगे ये चुनौती। ये चुनौती हम ही जीतेंगे बिनॉय अंकल, किसी भी हाल में मैं अनिरुद्ध को जीतने नहीं दूंगी, और जैसा आप चाहते हैं बंधिता ही कारण बनेगी अनिरुद्ध की हार का। सिर झुकाई जाएगी वो इस हवेली के बाहर, ये वचन है सौदामिनी का आपसे बिनॉय अंकल। वचन देती हूँ दुकामा, आपको नाराज नहीं करूंगी। ठीक है बिहारी। मालिक पूजा का सब सामान आ गया है ना? जी। और कोयली 21 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं ना, याद रहे रॉय चौधरियों का नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझी? अरे तो हाथ पांव तेजी से चलाओ, कल ही है महा एकादशी की पूजा, एक हफ्ता नहीं बाकी है अभी। सुनो, 4 गुना धान पीसना होगा तुमको, इसलिए तुम्हारा हाथ बटाने के लिए मुंशी की बहू को बुला भेजा है। मैं आपको जादू दिखाऊं? अरे बटुक बेटा, अभी कहाँ जादू वादू देखेंगे, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तुम क्या बाद में देख लेंगे हैं? सुनो कोयली, घर का कोना कोना एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, कोई भी अशुद्धि। प्रसाद में 50 किलो हलवा बन रहा है ना, और वो केसर की खीर बड़ी वाली देगची में, लूसी, नाना प्रकार के व्यंजन बनने चाहिए, मेवे और बादाम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ सुनो बिहारी, रसगुल्ला जरूर बनवा लेना, स्वाद भी जरूरी है ना बिहारी? जी जी मालिक। सेहत भी जरूरी है ना बिहारी? प्रसाद काका के हिसाब से जैसा काका कहें, जो काका कहें वही बनाना, वहां पंडित जी के सामने रसगुल्ला की हांडिया रख देना, पर बंधिता के खाने में फल और हरी सब्जियों के सलाद के अलावा कुछ नहीं, समझे? जी। ताजा घी एकदम भरा हुआ होना चाहिए, लबालब, समझे ना? खाना बिल्कुल हल्का रखना बिहारी, और मीठा जरा भी नहीं, सुना? जी जी। भारी खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, पता है ना? और कच्ची सब्जियां खाने से दिमाग खराब हो जाता है, पता है ना बिहारी? घी और मिठाई खाने से पेट बढ़ जाता है, जानते हो ना बिहारी? अरे पक्का, और कच्चा खाने से ताकत कम होती है, जानते हो ना बिहारी? और सुनो वो केसर और खस का शरबत भी बना लेना, क्या है ना गर्मी में मन शांत रहता है। पूजा पाठ करने के बाद भी अशांति ही हो तो शरबत से मन शांत हो जाएगा क्या बिहारी? बंधिता को पानी नाप कर दिया जाता है, याद है ना? जी बरिस्टर बाबू, हम समझ गए, मतलब बहुरानी जी के लिए ही घास फूस, बाकी घर वालों के लिए तरमाल, मालपुए, पुलाव, मैं सब समझ गया। अरे सब समझ गया तो यहाँ खड़े होके ढिंडोरा पीटता रहेगा क्या आप सारा दिन? अनिरुद्ध, कल महापंडित जी सुबह 9 बजे आने वाले हैं एकादशी पूजा के लिए, तुम समझ रहे हो ना जो हम समझाना चाह रहे हैं? अनिरुद्ध दादा, काका,
अब तो हम भी समझ गए हैं कि अगर बोंदिता बौदी की ये समस्या दूर नहीं कर पाए तो महापंडित के आने से पहले दादा को छोड़ कर आना होगा बोंदिता बौदी को उनकी माँ के पास। सही कहा ना मैंने दादा? दादा जादू का खेल दिखाऊ मैं आपको? दादा कुछ जादू के करतब सीखे हैं मैंने मशहूर जादूगर से। वाह बटुक, सीखना बहुत अच्छी बात है, पर अभी नहीं, अभी मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जाके आता हूँ। दवाइयों की कुछ किताब मंगवाई थी, आ गई हूँ। एक करतब तो देख लीजिए। बेकार ही कोशिश कर रहे हो बटुक, तुम्हारे दादा तो खुद जादूगर है, अभी देखना कैसे 24 घंटे में बैरिस्टर से डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ बटुक, अगर जीतने की कोई ट्रिक है तुम्हारे पास तो वो सिखा दो अपने दादा को, क्योंकि अब जादू ही है जो इनको हारने से बचा सकता है। ये देवी का मंदिर तो कितना बड़ा है बोंदिता के घर में, और ये पानी का कुंड तो और भी सुंदर है। क्या कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। पिछली बार आए थे तो दरवाजे से लौटना पड़ गया था। ये हवेली तो कितनी अच्छी है, देख ही नहीं पाई थी इतनी अच्छी हवेली। अरे देखिए ना आप भी। संपूर्णा कोई आ जाएगा, चलो यहाँ से। संपूर्णा उठो, बड़े मालिक आए। कोयली ने बताया नहीं तुम्हें क्यों बुलाया तुम्हारी पत्नी को यहाँ? जी बताया। क्या ये बताया? कविता बुन रही थी हवेली के सौंदर्य पे, या जल तरंग बजा रही थी? हमारी हवेली कोई बगीचा है जहां पे आते जाते लोग भ्रमण करने के लिए चले आते हैं। यादव अपनी पत्नी को ये यहाँ बहू की बहन बन के नहीं आई है, घर में नौकर बनकर आई है, और वही काम करे जिसके लिए से यहाँ बुलाया है। बाहर की धूल अगर हवेली में उड़ के आ जाए तो वो हवेली का हिस्सा नहीं हो जाती। अच्छे से काम कर लेना, शिकायत का एक मौका मत देना। ज्यादा साफ कर लेगी? हाँ। क्यों नहीं, छोटी बच्ची हूँ क्या मैं अब? छोटी मालकिन बन गई हूँ इस घर की। बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं मुझे अब। अच्छा छोटी मालकिन जी, पर तू अगर ये फर्श साफ करेगी तो तेरी ये साड़ी नहीं खराब हो जाएगी? मेरी साड़ी खराब होगी तो तेरी भी तो खराब होगी ना, तो तू भी रहने दे दीदी। अरे नहीं नहीं, मुझे तो करना ही होगा ना, वरना कौन करेगा इतना सारा काम? अरे काका कर देंगे, नहीं तो कोई नहीं दीदी, घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। आपको पता है नौकरों के तो नाम ही मैं भूल जाती हूँ।
अच्छा रसगुल्ला खाओगी तुम? रसगुल्ले चमचम हलवा खाओगी? सब बन रखा है रसोई में, मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं रहने दे, मैं मेहमान थोड़ी हूँ यहाँ पे। मेरी दीदी तो हो ना, तो जो मेरी दीदी करेगी मैं भी वो करूंगी। साड़ी खराब होती है तो होने दो, परवाह है क्या मुझे? ये यहाँ बहू की बहन बन के नहीं आई है, घर में नौकर बनकर आई है और वही काम करे जिसके लिए इसे यहाँ बुलाया है। क्या सोच रही हो दीदी, मेरे बारे में सोच रही हो? यही कि कल को एकादशी पूजा है, अगर मेरी बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर नहीं हुई तो चुनौती हार जाएंगे पति बाबू। पर आप चिंता मत करो। चुनौती मतलब? कैसी चुनौती? बाबू ठीक कर देंगे मेरी समस्या। तुझे क्या लगता है? मुझे तो पूरा भरोसा है पति बाबू पे। माँ भी कहकर गई है मेरे पति बाबू को मेरी मदद के लिए भेजा है दुर्गा माँ ने। राक्षस नहीं रक्षक बाबू है मेरे पति बाबू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे भी पता है कि तेरे पति बाबू कितने कीमती है। सच में बहुत अच्छे है तेरे पति बाबू। तो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? मैं कीमती नहीं हूँ उनके लिए? क्या वो भाग्यशाली नहीं कि मैं पत्नी हूँ उनकी? पत्नी नहीं खजाना मिल गया उनको। हाँ हाँ दुनिया का सबसे कीमती खजाना तो तू ही है। शक्ति शक्ति बताना दीदी क्या करूं मैं? कैसे ठीक करूं मैं ये बिस्तर गीला करने वाली समस्या? कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। अच्छा अपने पेट को कसकर बांध लेती हूं कपड़े से, इससे गुसल खाना नहीं जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं दुखेगा नहीं इसे तुझको? हाँ दुखेगा तो बहुत, पर सब दर्द सह लूंगी मैं। मेरे लिए पति बाबू को लड़ना पड़ता है ना सबसे, ये नहीं सह सकती मैं। पर फिर भी समस्या दूर नहीं हुई तो? अरे तो भी दीदी चल जाने दे, मैंने दुर्गा माँ से बोल दिया है समस्या का हल निकालने को। चल सफाई करते हैं। समस्या का है हल। हर समस्या का इलाज करती है दवा, तो क्या ये तेरी भी समस्या दूर कर देगी? पता नहीं दीदी। तो करे पता, क्या पता तुझे भी ठीक कर दे ये चमत्कारी दवा। पर दीदी तूने कहा था ना तू सब करने के लिए राजी है। चल ले लो ये दवा का जल, हर समस्या का है हल। ले
ले लो ये दवा का जल, हर समस्या का है हल। मुझे डर लग रहा है संपूर्ण दीदी। दवे वाले से क्या डरना? अरे दवा वाले से नहीं, पति बाबू से डर लग रहा है मुझे। वो नहीं मानते इन चमत्कारों को। जब तक लिखा ना उनकी मोटी सी किताब में, वो कुछ नहीं मानते। एक बार उनसे पूछ ले क्या? चल पूछ लेते। पर अभी तो वो बाहर गए हैं। बाद में तो ये चले जाएंगे ना, तब क्या करेंगे? ले लो ये दवा का जल, हर समस्या का है हल। सुना, हर समस्या का हल है इसके पास। कैसे हैं आप चमत्कारी दादा? बिल्कुल ठीक। संपूर्णा दीदी, ये तो परी दीदी है, पति बाबू की बचपन की दोस्त। बड़े दिनों बाद अपनी चमत्कारी दवा लेकर आए हैं। मेरी समस्या का हल है ना आपके पास? हर समस्या का हल है मेरी दवा। मेरे इतने लंबे घने बाल आपकी चमत्कारी दवा की वजह से ही तो बने, वरना गर्दन तक भी नहीं आते थे। और देखो, मेरे चेहरे का रंग आपके जल के कारण ही तो खिला खिला है ना। भूल सकती हूँ क्या मैं इस बात को? आपकी दवा तो सचमुच बहुत चमत्कारी है। इनके जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ये दवा इस्तेमाल करते होंगे तो हम भी तो कर सकते हैं ना? और अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्यों आपत्ति होगी तेरे पति बाबू को? कैसे भूल सकती हूँ मैं, जब नीम हकीम, वैद और अंग्रेजी डॉक्टर तक के पास मेरे समस्या का हल नहीं था, तब आपके चमत्कारी दवा ने असर दिखाया था। आप ना मुझे पहले वाली दवा दे दीजिए और इसके साथ वो वाली भी दे दीजिए और वो वाली भी, न जाने कब आएंगे दोबारा। देखा, दोबारा कब आएंगे ये भी नहीं पता। चल ना। बात तो सही कह रही है तू संपूर्णा दीदी। ये अवसर छोड़ना नहीं चाहिए हमें। ले लो ये दवा का जल, हर समस्या का है हल। चल ना। ले लो ये दवा। चल ना। ले लो ये दवा का जल, हर समस्या का है हल। ले लो। आपके पास हर समस्या हल करने की दवा है? और अगर वो समस्या बाल बढ़ाना, पतले होना, इससे भी बड़ा हो तो? ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं हमारे पास। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? आपके पास वो मैं ही बोल देती हूँ दीदी। आखिर वादा भी तो मैंने ही किया है ना तुक्का माँ से। तो चाहे जो करना पड़े, हारने नहीं दूंगी अपने पति बाबू को। आपके पास कोई चमत्कारी दवा है? जिससे बड़े बच्चों की पिस्ते की लगने वाली समस्या दूर हो जाए। मेरे लिए चाहिए वो दवा। हिमालय की चोटी से एक खास जड़ी बूटी से एक दवा बनाई है मैंने आपके लिए, पर देखने दो उसे आज लाया हूँ कि नहीं, वरना कल वापस आना पड़ेगा मुझे। कल नहीं, आज ही चाहिए हमें, कल ही तो एकादशी है। कुछ मिली?
मिल गई ये रही। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी समस्या का हल भी मिल गया अब तो। ये कितने पैसे की देंगे आप? एक आना। एक आना? अब क्या करें? अरे दीदी, एक नहीं बहुत सारे आने हैं मेरे पास, शगुन में मिले थे मुझे, और पोयला बैशाख पे भी गांव की औरतों ने दिया है मुझे, अभी लेकर आती हूँ। आपके पास कोई ऐसी दवा है जिससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए और कभी नहीं टूटे? बिल्कुल है बेटी, पर मेरे पास तो एक पाई है, आना तो ठीक है, फिर बाद में दे देना। अब देखो, ये दवा तुम्हारी बीमारी ही नहीं बल्कि तुम्हारा अनिरुद्ध की पत्नी होने का सफर भी कैसे खत्म करती है। पूरी शीशी देख लेना, उल्टी भी नहीं करूंगी, नाक दबा लूंगी अपनी, पर पी लूंगी चमत्कारी औषधि। चुनौती हारने नहीं देगी आपकी बॉन्डेता अपने पति बाबू को। ये लो तुम्हारा इनाम। एक बात कहूं, बहुत छोटी है वो लड़की, और उस शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूं ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। उसकी हालत खराब हो सकती है उस औषधि को पीने के बाद। सलाह देने के लिए पैसे दिए तुम्हें? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा यहाँ कभी मत दिखना, याद रहे। की समस्या कैसे ठीक होती है आज? समस्या तो दूर होगी, लेकिन बोंदिता की नहीं, मेरी समस्या, जो कि तुम हो बोंदिता। अनिरुद्ध के हार का कारण अब तुम ही बनोगी, और अनिरुद्ध की इस हार के बाद
वो तुम्हें दूर भेज देगा और इस बार हमेशा के लिए।